नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज की बड़ी खबर, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सारे पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने आज एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही कि ऐसा लगता है कि सुशांत के गले पर निशान एक बेल्ट के थे। सुशांत की बॉडी को किसी ने पंखे से लटका हुआ देखा नहीं। बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस 25 जून के बाद भी बयान दर्ज करती रही। इकलौती FIR पूरे मामले में पटना पुलिस ने दर्ज की है। ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस पर मामले को ढकने के लिए कोई दबाव है। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को अब तक की जांच की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंप दी है। वहीं ईडी ने आज फिर से रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की। सुशांत की बहन मीतू सिंह भी फैमिली की ओर से बयान दर्ज करवाने के लिए ईडी के दफ्तर पहुंची। तो ये आज पूरे दिन का अपडेट आपके सामने है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि सुशांत की हत्या भी हो सकती है, ये मामला हत्या का भी हो सकता है और उनके गले पर जो निशान है वो ऐसा लगता है कि किसी रस्सी का नहीं जिससे कोई खुदकुशी करे, बल्कि एक बेल्ट का है। यानी वो सुशांत के मामले में, उनकी मृत्यु के मामले में अब हत्या का, मर्डर का एंगल भी तलाश रहे हैं। इस नए सनसनीखेज खुलासे के अलावा भी कई और चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन इंडिया टीवी को मिली। अब मैं आपको सुशांत मिस्ट्री पर 15 ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। सुशांत के गले पर रस्सी नहीं बेल्ट के निशान थे, ये सुशांत के पिता के वकील का सुप्रीम कोर्ट में आज दावा हुआ। सुशांत की बॉडी को किसी ने लटके हुए नहीं देखा और उनका कहना है कि मर्डर के एंगल से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सुशांत की मौत की जांच मुंबई पुलिस करे चाहे कोई भी एजेंसी करे, लेकिन इसमें मर्डर का एंगल होना चाहिए। सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान होने का दावा करने वाला एक शख्स भी अब सामने आ गया, जिसका नाम है अंकित आचार्य, जो कि एक करीबी हुआ करता था सुशांत सिंह राजपूत का साल 2018 तक। और उनका भी कहना यह है कि तस्वीरें देखकर उनको ऐसा लगता है कि यह हत्या का मामला है। ईडी के दफ्तर में आज फिर सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हुई। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने भी ईडी दफ्तर में अपना बयान दर्ज कराया। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने खुलासा किया है कि 8 जून को सुशांत और रिया के बीच हाथापाई हुई थी। इसके बाद रिया घर छोड़कर चली गई और सुशांत का फोन ब्लॉक कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के सीलबंद होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज भी जताया है। वहीं रिया और उनके परिवार पर ईडी का शिकंजा और कस गया है। ईडी ने रिया, उनके भाई और पिता का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। यह बड़ी खबर है। अब तक के रिया के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में रिया के वकील ने पटना में दर्ज FIR पर सवाल खड़े किए और कहा कि ये FIR मुंबई पुलिस को ट्रांसफर की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुना, अपनी सुनवाई खत्म कर दी, फैसला सुरक्षित है। उनसे कल तक कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है और परसों इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा आज यह हुआ कि सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान जैसे लगते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त गणेश हेबरकर। गणेश सुशांत के पुराने दोस्तों में से एक है। शुरुआती दिनों में गणेश सुशांत के कोरियोग्राफर भी होते थे। गणेश, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गणेश उन लोगों में से थे जिन्होंने सुशांत की मृत्यु के बाद सबसे पहले यह बात बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कही कि सुशांत जैसा व्यक्ति खुदकुशी नहीं कर सकता, इसमें कुछ और नजर आता है। गणेश, आपकी ये बात तो हमने पहले सुनी थी, लेकिन ये बात आज सुशांत के पिता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कही है कि उनको ऐसा लगता है कि यह हत्या का मामला भी हो सकता है और उनका दावा यह है कि सुशांत के गले पर जो निशान वो देख रहे हैं वो रस्सी का या खुदकुशी करने में कोई व्यक्ति इस्तेमाल करे उस किसी चीज का नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे बेल्ट से उनका गला घुटा गया है। आप पहले से कहते रहे कि वो खुदकुशी नहीं कर सकते, तो आज आप क्या कहना चाहते हैं सबसे, इसमें मर्डर के एंगल से भी जांच हो? सर, ये मर्डर ही है, ये मर्डर ही है। सुशांत सिंह राजपूत को अगर मारना है तो मर्डर ही किया जा सकता है, सुसाइड हो ही नहीं सकता। वो तो मैं आगे अगले 10 साल तक यही कहूंगा, इट्स इम्पॉसिबल कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करे। और मर्डर भी कम से कम सुशांत सिंह राजपूत को मारने के लिए एटलीस्ट कम से कम 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। वो बहुत पावरफुल था फिजिकली, तो इतना आसानी से नहीं करा जा सकता था खत्म। गणेश, ठीक है, आप सुशांत के करीब रहे, आप सुशांत को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन फिर यह भी कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जिंदगी में किस पड़ाव पर है, किस मुकाम पर है और वो क्या महसूस कर रहा है, किस फेज से गुजर रहा है, ये तो नहीं कहा जा सकता। आपने जिस सुशांत को देखा, आप कहते हैं वो इतना कमजोर नहीं था, लेकिन क्या आप 2007 के बाद आज 2020 में भी वो दावा करते हैं?
2020 में नहीं सर, अगर सुशांत जिंदा होता तो 2030 में भी करता, 2040 में भी करता। वो एक नेचर होता है इंसान का, वो कभी भी नहीं बदल सकता। और 2007 की बात करिए, 2019 की बात करते हैं, 2019 में मैंने उसको बात की हुई है, 15 मिनट बात हुई है, वो सुसाइड नहीं कर सकता, उतना पॉजिटिव बंदा था। और एक तरह एक टाइम पे तो उसने मुझे सुसाइड करने से बचाया, हम क्या कोई प्रेडिक्ट, आपको खुदकुशी करने से बचाया, ये वो व्यक्ति होता है जो कि दूसरों का दर्द समझता हो और खुद अंदर से बहुत मजबूत हो। बिल्कुल, लेकिन फिर ये इतना स्ट्रांगली हर तरह से, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस और फिजिकल स्टेटस और मेंटली और रिलेशनशिप वाइज स्टेटस, हर तरह से सुशांत सिंह राजपूत बहुत स्ट्रांग था मेंटली भी। अगर उससे 10 लड़कियां भी दूर चली जाए तो भी वो सुसाइड नहीं कर सकता, उससे 100 फिल्में छीन लो तो भी वो सुसाइड नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ये आप किस बिना पर कहते हैं, किस बेसिस पर आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हम जानते हैं जो लोग बोल रहे हैं वो उसको एक बार भी नहीं मिले, किस बिना पे वो लोग बोल रहे हैं। देखिए क्योंकि इतने बार बीच बीच में बातें हुई, बहुत सारी फिल्में उससे गई है, लेकिन वो उस फिल्मों को इस तरह से लेता था कि ओके ये तो कास्टिंग का होता है, इशू होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजों को समझता था। ऐसे बहुत सारे दौर देखे उसने। और एक नॉर्मल सी बात है, जो लड़का इतना फेमस होने के बाद, इतना नामचीन होने के बाद अपने फैमिली से कनेक्टेड रहता है, उनसे प्यार से बात करता है, नॉर्मल रिलेशनशिप रखता है, इनफैक्ट नॉट ओनली फैमिली, 10-10 साल पुराने दोस्तों के साथ भी अच्छे से बात करता है, उनको सपोर्ट करता है, इतना सब मेंटेन करने के बाद आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो डिप्रेशन में जा भी सकता है? आज देखिए गणेश, हम लोग बात जो करेंगे, हम सारी बात वो करते हैं जो ऑन रिकॉर्ड लोगों ने कही है, इसमें कोई हवाई बात नहीं होगी। ये बात अगर हमने आज कहा कि सुशांत की हत्या की बात उठ रही है तो वो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट में उनके परिवार के वकील ने कही है। ऐसे रिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पहली पटिशन में यह कहा था कि सुशांत डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे थे, इतना ही नहीं उनका इलाज चल रहा था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो इस बात को ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में कह रही है। ऑन रिकॉर्ड अगर कह रही है वो तो 101% उसको ये दवाइयां या फिर ऐसा कुछ भी जबरदस्ती दिया जा रहा था। और ये बात तो वैसे उनके ट्रेनर ने भी कही थी कि सुशांत दवाई लेना नहीं चाहता था, रिया उसको देती थी। लेकिन अगर वो दवा थ्योरी तो दूर जी, अगर वो दवा लेते थे तो कोई वजह होगी दवा लेने की? ये तो ट्रेनर ने कहा है ना कि सुशांत दवा लेना नहीं चाहता था, रिया उसको दवा देती थी। अच्छा चलिए, तो आप बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए जी। रिया उसको दवा देती थी और सुशांत दवा लेना नहीं चाहता था, तो वो तो पहले से बहुत मेंटली बहुत स्टेबल तरह का था, उसको पता था क्या क्या है क्या क्या नहीं, हर चीज का नॉलेज था उसको, तो वो नहीं ले सकता था दवाई, अगर नहीं लेना चाहता था, उसको पता था उसकी कंडीशन, तभी वो नहीं लेना चाहता था। और अगर रिया उसको देती थी तो ये कुछ अलग ही तरह का साजिश है। देखिए सवाल बड़ा पेचीदा इसलिए हो गया गणेश, क्योंकि आप जैसे लोग जो सुशांत के को करीब से उस वक्त से जानते हैं जब रिया उनकी लाइफ में नहीं थी, आप लोगों का सुशांत के बारे में एक एक इमेज है, एक एक एक, एक वर्जन है बताना कि बहुत मजबूत आदमी थे, मेंटली स्ट्रांग थे, फोकस्ड आदमी थे, करियर पर ध्यान देते थे और छोटी मोटी चीजों से परवाह नहीं होती थी उनको, परिवार के बहुत नजदीक थे, डिप्रेशन नहीं हो सकता था। अब आप तुरंत आ जाइए जब रिया का वर्जन है, उसमें वो ये सब कहती हैं कि डिप्रेशन भी था, इलाज भी चल रहा था और परिवार के साथ रिश्ते भी खराब थे, फैमिली के साथ, बहनों के साथ, जीजा के साथ, पिता के साथ रिश्ते खराब थे। अब ये बात सिंपल सी है, 33 साल ही नहीं, मैं 34 साल पूरा बोलूंगा, 34 साल जो सुशांत अपने फैमिली से कनेक्टेड था, उनकी आप बात सुनेंगे या फिर हमारे जैसे बहुत सारे लोग, मैं जो एटलीस्ट 13-14 साल कनेक्शन में थे, आप उनकी बात सुनेंगे या 1 साल जो लड़की कनेक्शन में थी उनकी बात सुनेंगे? लेकिन ये बात तो फिर जांच में सामने आनी चाहिए थी, ये बातें तो जो आज हो रही हैं, जो अदालत के अंदर हो रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, ये सारी बातें तो निकल करके आनी चाहिए थी मुंबई पुलिस की तफ्तीश में, क्योंकि मुंबई पुलिस ही वो एजेंसी थी जिसने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसने तो FIR तक दर्ज नहीं किया। मुंबई पुलिस की तो कितनी सारी गलतियां है ना, उसका तो कोई अंदाज ही नहीं है, दूर दूर तक अंदाज नहीं, गलतियां तो इतनी सारी की है मुंबई पुलिस ने। ये वही मुंबई पुलिस है जिसने इतने सारे केस सॉल्व किए और ये केस में वो अचानक ही इतनी सारी गलतियां करने लगी, क्यों, क्या रीजन क्या है इसके पीछे?
कितने सारे मिस्टर, अब मैं अगर आपको गिनाने जाऊंगा तो कम से कम 15-20 तो मेरे सामने ही है। जैसे क्या? जैसे आप एक बात बताइए, अगर वो चाबी वाला तो गायब था, दूसरा वो फंदा जो था कपड़े का निशान, वो कपड़े का निशान है ही नहीं, कोई नॉर्मल आदमी बता देगा, वो गले के पट्टे का निशान है। सुशांत सिंह राजपूत की हाइट 5 फुट 11 इंच के ऊपर थी, अब एक बार बताइए वो पेड़ और उसका वो डिस्टेंस ही नहीं है तो कैसे सुसाइड हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। ऐसी और कितनी सारी थे, उसकी सिस्टर आई थी उससे पहले उन्होंने बेड पे निकाल के रख दिया उसको, कुपर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बल्कि वो शायद भामा हॉस्पिटल के वहां पे आता है अंडर में बैंड्रा। उसके बाद बार बार जांच की जाती है कि सीबीआई जांच ना हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, इसकी कितनी सारी थ्योरी और है। एक गलती हो तो समझ सकते हैं, इतनी सारी गलतियां की जा रही है और ये दावे के साथ हर आदमी कहेगा जो मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड जानता है, अगर मुंबई पुलिस चाहे तो सिर्फ 10 दिन के अंदर सबके सब ये मंजे हुए खिलाड़ी जो है ना वो जेल के अंदर हो जाएंगे। नहीं देखिए गणेश, बात यह है कि अब अगर मान लीजिए जो शक परिवार जाहिर कर रहा है या जो आप जैसे दोस्त जाहिर कर रहे हैं कि ये खुदकुशी नहीं कुछ और है, तो इसके पीछे कोई बेसिस होना चाहिए। सुशांत की लाइफ में कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि कोई उनकी जान का दुश्मन बन जाए। आप सुशांत को ऐसे जानते हैं? हम लोग तो नहीं, हम लोग तो उनको, हमने तो उनकी पब्लिक इमेज देखी है, आप लोगों को पर्सनली जानते थे। किसी की जान लेने के लिए किसी के पास कोई बहुत बड़ा मोटिव होना चाहिए, वो समझ में नहीं आता। जी मोटिव तो बहुत सारे मोटिव है ना, अभी रिसेंटली वो कनेक्टेड था उन लोगों के साथ, ये तो उन लोगों का गला पकड़ना पड़ेगा तभी जाके वो राज निकलने वाला है। लेकिन सुशांत जो था वो ऐसा था कि अगर उसके करीबी वाले अगर मुसीबत में आ जाए तो वो आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद करने को तैयार रहता, हर चीजें क्रॉस करके उनकी उनको निकालने को तैयार। तो कोई भी ऐसा इशू हो सकता है जिससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में हो, सुशांत को बताई चीज हो और फिर उसको निकालने के लिए ये बेचारा फंस गया हो। अच्छा, ये बार बार कहा जा रहा है कि सुशांत को उस हालत में कि वो उन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया था, उस अवस्था में केवल एक सिद्धार्थ पिठानी के अलावा किसी ने नहीं देखा, ये बात बार बार कही जा रही है। कई लोग ये कहते हैं कि हम उनके एक और सुशांत के एक और मित्र से, एक और करीबी से बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि मुमकिन ही नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को, इस कदकाठी के व्यक्ति को एक आदमी अपने आप जो है वो पंखे से उतार के बेड पर लिटा दे, ये मुमकिन नहीं है। इस किस्म के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, ये सभी सवाल आपको वाजिब लगते हैं? सर वाजिब क्यों नहीं, एक बात बताइए, सुशांत का वेट भी काफी था, वो हेल्दी था, मतलब हेल्दी मीन फिट था हर तरह से, और हाइट इतनी थी तो ऑब्वियसली वेट ज्यादा होगा। आप दोनों हाथों से उसको उठाओगे और वो कपड़ा कब खोलोगे, कैसे पॉसिबल नहीं ना। आप तो एक तो जी उठाओगे और दूसरा एक आदमी चाहिए जो कम से कम नॉट खोले या तो पंखे का वो खोले और फिर नीचे उतारे, और नीचे उतारने के लिए भी अकेला इट्स नॉट पॉसिबल, दो लोग तो चाहिए ही चाहिए ना। प्रैक्टिकली नॉर्मल आदमी भी सोच सकता है। देखिए कुछ बातें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में चलती हैं, उसको उस पर हम बहुत ध्यान नहीं देते, कौन क्या कहता है, हमारे लिए मतलब रखता है उन लोगों का कहना जो सुशांत को समझते थे या जो उस दिन उस घर के अंदर थे। उस दिन जितने व्यक्ति उस घर के अंदर थे सबने एक उनका एक कॉमन वर्जन है, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था, जो वो पहले कभी नहीं करते थे, हमने बार बार खटखटाया, बार बार आवाजें दी, नॉक किया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तो उनका तो सीधा यह कहना है कि जब कमरा अंदर से बंद था तो हत्या कोई कैसे करेगा। सर कमरा अंदर से बंद था ये कितने लोगों ने बताया, जो वहां प्रेजेंट थे वही बोलेंगे ना ये चीजें, उनको पकड़ो ना, उनको पकड़ के खींचो तब जाके राज निकल के आएगा अंदर से बाहर। और वो जो दरवाजा था वो तो बाहर से भी बंद किया जा सकता अगर किसी के पास चाबी होगी तो, और एक चाबी मिसिंग है ये ऑलरेडी कह चुके वो लोग। वो चाबी तो किसी को मिली ही नहीं, जब सुशांत की बहन उस दिन घर पहुंची हैं तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि कमरे की चाबी कहां है, तो सबने कहा चाबी का हमको मालूम नहीं है। हां तो जिसने एक सब किया होगा वो चाबी थोड़ी ना रखेगा संभाल के, तो चाबी फेंक ही देगा, मिसगाइड ही करेगा ना। चलिए मैं आखिरी बार आपसे आपके मन की बात पूछना चाहता हूं, आपको अपनी सोच समझ से सुशांत को जानते हुए हालात देखते हुए पूरी तरीके से यकीन है कि यह खुदकुशी का मामला नहीं है? जी खुदकुशी का तो नहीं,
ठीक है गणेश, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। गणेश वो व्यक्ति हैं जो कि 10 साल से ज्यादा तक सुशांत सिंह राजपूत के करीबी रहे, इनके दोस्त रहे। इनका कहना है कि इनकी उन्होंने पर्सनली बहुत मदद की। सुशांत ने ये जब एक बार सुसाइडल थॉट्स से घिरे हुए थे तो सुशांत ने इनको सहारा दिया, ऐसा व्यक्ति खुद कैसे खुदकुशी कर लेगा। तो ये सारी बातें लगातार कही जा रही हैं। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुआ वो हमने आपको बताया। पहली बार इस पूरे मामले में सुशांत की मृत्यु के बाद से किसी ने यह बात ऑन रिकॉर्ड अदालत के अंदर जाकर के कही कि यह हत्या भी हो सकती है। और यह बात कहने वाला वकील विकास सिंह थे जो कि सुशांत के पिता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरे मामले में। और उन्होंने खुलकर यह बात कहा कि इस मामले की जांच हत्या के एंगल से भी की जानी चाहिए क्योंकि बहुत सारी कड़ियां नहीं मिल रही हैं। दूसरी ओर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार रिया चक्रवर्ती, उनके भाई, उनके सीए, उनके पिता, उनकी मैनेजर सबसे लगातार पूछताछ कर रही है। कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। ईडी का फोकस इस बात पर है कि कहीं इस पूरे प्रकरण में सुशांत सिंह का जो की जो संपत्ति थी, उनके उनके जो बैंक अकाउंट्स थे, उनका जो रुपया था, कहीं वो तो एंगल नहीं बनता है। और वो इस बात की जांच करना चाहती है कि कहीं उनके अकाउंट से पैसा इधर उधर तो नहीं किया गया। ये बात भी, ये आरोप भी परिवार की तरफ से लगाया गया है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं लगातार कई हफ्तों से सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी अगर हुई तो किन हालात में हुई, इस पर तो बात हो रही थी, लेकिन क्या ये हत्या है, ये बात आज पहली बार उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही है। और यही इस पूरे मामले को एक बिल्कुल नई दिशा दे देती है। सुप्रीम कोर्ट को अभी यह भी तय करना है कि इस मामले की जांच करेगा कौन, क्योंकि बिहार पुलिस अपने दस्तावेज सीबीआई को सौंप चुकी है और मुंबई पुलिस अभी तक इसकी तफ्तीश कर रही है, जिसकी अभी तक की अपडेट उसने सुप्रीम कोर्ट को सील बंद लिफाफे में दी है। इसका इंतजार हमें परसों तक करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ और अपडेट।